हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना के लिए इसमें क्या क्या उपाय है। श्री डॉक्टर कमलेश यादव जी, कोरोना के लिए जो है जी होमपैथ में बहुत ही संभावनाएं हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। होमपैथ में काफी अच्छी मशीन है जो कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य निदेशालय से भी जो प्रचारित किया गया R30 और हम लोगों ने भी अपने क्षेत्र में अपने क्लिनिक से R30 का हम प्रयोग करवाया और उसका रिजल्ट काफी बेस्ट रहा है। हर तरफ जितने लोगों को R30 दिए अब तक कोई पेशेंट जो है आके नहीं बोला कि मुझे जो है कोरोना हुआ है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो है मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जैसे जो है फॉस्फोरस कैल्केरिया का पल्साटिला ब्रानिया ये सारी मेडिसिन जो है हम लोगों ने प्रिस्क्राइब किया जिससे जो है अभी तक कोरोना के पेशेंट हम लोग जिनको खिलाए R30 और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन उनको किसी को मिला नहीं आज तक। धन्यवाद। एक दो प्रश्न और जाना चाहेंगे सर, कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ प्रैक्टिस करते हुए और आपने क्या कुछ विलक्षण मरीजों को भी देखा है उनका ट्रीटमेंट किया है? जी बिल्कुल, हम 2001 में 8 अक्टूबर से अपने कार्य को चिकित्सा सेवा को शुरू किया बराज में जी। और एक विलक्षण लोगों का मैंने हम लोग इलाज किया जिसमें छोटे बच्चे बूढ़े जवान लगता है कि जो एलोपैथ सिस्टम आपके पेट से नहीं ठीक हो पाया वो लोग हम लोगों के पास आए और काफी अच्छा रिस्पांस मिला, ठीक हुए निरोग हुए। और वैसे उदाहरण के तौर पर तो बहुत सारे चीज है लेकिन एक चर्चा हम करेंगे एक पेशेंट का कि मेरे यहाँ एक छोटा बच्चा मात्र 8 दिन का आया शुरुआती दिनों में मिले और वो बच्चा डिस्टेंडेड एब्डोमेन पेट फुला हुआ था लंबी सांस ले रहा था, लग रहा था कि वो बच्चा जो बचेगा नहीं। डॉक्टर सरकारी और प्राइवेट चिकित्सक उनको रेफर कर चुके थे और 9वीं संतान के बाद अपने माँ का 10वां संतान था लड़का, 9वीं संतान लड़कियां थी 10वां लड़का था और मेरा स्टार्टिंग समय था और मेरे चैम्बर पे किसी ने बता दिया वो लड़का ला के माँ उसकी रोने लगी और उसके साथ कम से कम 20 से 25 लोग आए थे। मैंने देखा, देखने के बाद जो है वो सांस ले रहा था, सभी लोग बोले कि निमोनिया हो गया है। मैंने देखा तो निमोनिया के लक्षण नहीं और डिस्टेंडेड डॉक्यूमेंट का पेट खुला हुआ था इसके चलते वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी। मैंने तुरंत जो है अपनी मेडिसिन China 30 रिपीट करवाया और जो बच्चे का लूज मोशन हुआ, पतला दस्त हुआ और यूरिनेशन हुआ, पिसाब हुआ, फिर बच्चा सामान्य हो गया 15 से 20 मिनट में। इस होमपैथ का करिश्मा मैंने भी अपने क्लिनिक पे पहली बार देखा और वो बच्चा ठीक हुआ। आज भी बच्चा जो है वो आता है मेरे क्लिनिक में, आज वो 18 साल का हो चुका है और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, आता है। बच्चे भी आते हैं गाँव के, बहुत सारे लोग आते हैं, बिगडोलिया एक गाँव है देवरा में, वहाँ का पेशेंट जो है उसकी माँ जो आई और ठीक बिल्कुल सही है। सर एक और हमने पेशेंट के बारे में सुना था, वो बच्ची थी जो गोल गोल नाच रही थी, पता क्या हो गया था, कभी हमने सुना था जी वो कैसा घटना था? वो जो है मधुमक्खी बच्ची को काट ली थी जी और गांव में जो है गांव की पेशेंट थी जी, भीड़ लगी हुई थी और उसमें जो है झाड़ फूक लोग करवा रहे थे। मुझे किसी ने बताया कि बच्चे परेशान है, उसको जो है मधुमक्खी काट दी है और वो जो है गोल गोल घूम रही थी, जैसे जो है मधुमक्खी घूमती है वैसे वो भी जो है घूम रही थी। सभी लोग बोल रहे थे कोई फूल पकड़ लिया है, कोई वो पकड़ लिया है, सभी लोग झाड़ फूक कर रहे थे। मैं गया देखा पूछा, पता चला कि इसको मधुमक्खी जो है बड़ी वाली मधुमक्खी काट रही है। मैंने तुरंत मेडिसिन मंगवाया, ये पीस में लिखा और लीडम पाल, इससे उसको खिलाया और नहलवाया और एक ही डेढ़ घंटे बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई और वैसे रिजल्ट जो है होमपैथ में देखने को मिलते हैं और वो बच्ची बिल्कुल ठीक होकर अपने घर गई। इसमें कोई शक नहीं कि
होमोपैथ का प्रभाव विलक्षण है। जिन लोगों को हम कहेंगे ठीक होते हुए देखते हैं वह इनसे ठीक होते हुए देखा गया है। वैसे एक बारे इसके बारे में होमोपैथ के बारे में कहा गया बच्चों के लिए वरदान है या उन लोगों के लिए वरदान है जो लोग नशा नहीं करते। इस संदर्भ में कैसे ये बात कि होमोपैथ उनको दवा ज्यादा सूट करती है जो लोग नशे वगैरह नहीं करते। होमोपैथ दवा मेनली सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन है, लक्षण के अनुसार इलाज किया जाता है और हर आयु वर्ग के लिए है, बच्चे जवान और बूढ़े सब पे काम करता है। बस ज्ञान की जरूरत है जिसपे जो है जो लक्षण मिलता है उसके आधार पर दवा सटीक दी जाए तो सारी बीमारियां ठीक होती है। उसमें कहीं कोई दौरा नहीं कि होमोपैथ में नशे वाले लोगों का इलाज नहीं हो, इलाज सबका संभव है। जी सर, मेरा तात्पर्य ये था जैसे पूछने का कि क्या ये दवाएं जैसे एक व्यक्ति ऐसा है जो नशा बिल्कुल नहीं करता, एक ऐसा है जो नशा करता है, तो क्या जो ऐसा नशा नहीं करता उस पर ज्यादा प्रभावी होती है, जल्दी काम करती है, कुछ ऐसा भी है? हाँ, रिजल्ट कुछ बेस्ट देखे जाते हैं जो नशा नहीं करता है। नशा वाले पे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है इसलिए दवा का असर जो है थोड़े तीर होते हैं, रिजल्ट जो है आने में देर होता है। दो लोग नशा नहीं करते हैं उन पे जल्दी दवा जो है एक्टिव होती है, काम करती है और रोग जो है समूल नाश करती है दवा जो है। आखिरी सवाल सर, कुछ और भी रोग है जो संक्रामक है, भयानक है, जैसे हैजा माना जाता है, चेचक माना जाता है, या जो है और भी तरह तरह की बीमारियां हैं जो बहुत ही खतरनाक है, कैंसर भी माना जाता है। प्रारंभिक चरण में जैसे कि रोग शुरू में कैंसर में ये लोग कहते हैं इलाज में ठीक रहता है, क्या इन सब का भी इलाज है होमोपैथ में? जी, कैंसर तो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जी, और उसमें आज तक इलाज जो है संभव नहीं हो पाया चाहे किसी भी पॉइंट से, लेकिन होमोपैथ से रोगी जो है लंबा समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। जो एक अनुसंधान में 18 से 5 वर्ष तक, 18 महीने से लेकर 5 वर्ष तक जीने का जो शोध है उससे कहीं आगे जो है पेशेंट जीता है होमोपैथ मेडिसिन खा के और उसकी दीर्घायु बना रहता है। होमोपैथ से जो है इलाज संभव नहीं है लेकिन उसकी रोग को जो है लंबे समय तक जो है खींचा जा सकता है, यही इलाज है, रोकथाम ही तो। हाँ, रोकथाम जी। होमोपैथ जो है नेचर के खिलाफ कोई मेडिसिन नहीं हुई है जी, जो नेचर है उसी के साथ चलती है होमोपैथ। उसे इसमें जो है आप बचाव भी जो है परिवार मिलन का नहीं करता है, उसमें कुछ मेडिसिन तो आई लेकिन सफल नहीं है, 100% सफल नहीं है तो कहा जाता है। लेकिन इसमें यदि आदमी ध्यान दे, मेंस साइकिल जो है 28 दिन का होता है जी, चार फेज में उसको बांटा गया है, पहला 1 से 7 दिन का, दूसरा जो है 8 से 21 दिन का 3 फेज में, और चौथा जो है 22 से लेकर 28 दिन का। तो हर फेज में पहले हफ्ते में आदमी जो है संपर्क में रहता है तो परिवार नियोजन बना रहेगा, और लास्ट के हफ्ते में भी जो है साथ में रहता है तो परिवार नियोजन फर्टिलाइजेशन के काम जो है मेंस के 8 दिन से 22 दिन तक होता है। इस बीच में सावधानी बहुत सारे जो उपाय है जैसे कंडोम, गर्भ निरोधक गोली, ये सब खा के जो है परिवार नियोजन पे आदमी जो है बचाव कर सकता है। सर एक चीज, ये जो हम वर्तमान सीजन में चल रहे हैं, हम बरसात खत्म करके अब जाड़े की ओर बढ़ रहे हैं, ठंडक प्रारंभ हो रहा है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उसमें जो है मतलब कि अधिकतर मरीज किसके पास आते हैं और आवक करते हैं इस समय? इस समय जो है मौसम जब भी चेंज होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बॉडी घट जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो इसमें जो है हेल्थ भी घट जाती है। उसके साथ साथ जो है आपको सांस लेने में तकलीफें हो सकती है, पराली जलती है इस समय धुआं से, बिल्कुल दिवाली का मौसम है तो इस समय पटाखों से धूप जो है कम हो जाती है और मौसम में धूल धक्कड़ बहुत निकलते हैं, तो जिससे सांस लेने में मेन प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ जो है अस्थमा, कोटाइया, फीवर, ये सारी बीमारी जो है इस समय होती है और वैसे बेहतर इलाज जो है इस समय मिलता है। इसमें आचल बम और मेडिसिन से जो है बीमारियों को ठीक करते हैं, और
बीमारियां जैसे जो है हेल्दी सीजन होता है तो दब जाती है, लेकिन जब भी जो मौसम चेंज होता है तो बीमारियां जो है बढ़ जाती है। उसका जो है थोड़ा सा आदमी ध्यान दे इन सारी चीजों से बचे, गुनगुना पानी पिए, सफाई से रहे, तो बीमारी होने के कम से कम खतरे होते हैं। और हम आखिर में क्वेश्चन और जानना चाहेंगे, कोरोना से बचने के लिए आज भी क्या भय बना हुआ है और हमें क्या क्या चीज करना चाहिए ताकि हम सभी जनता तक आम जनमानस तक पहुंचा सके? जी, कोरोना से बचने के लिए आज भी जो है जी, अभी वैक्सीन आया नहीं है जी, तो इसलिए बचावी उपाय है, गाइडलाइन भी जारी है, हमारे प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं और सारे लोग जो है ये कह रहे हैं 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, तो इस पे जो है काम बिल्कुल करना चाहिए, सफाई रखना चाहिए, मास्क जरूर लगाएं और दूरी बना के रखें, इससे बढ़िया उपाय अभी भी कोरोना का कोई आया नहीं है, इसलिए मास्क है जरूरी, 2 गज मास्क है जरूरी, इस पे काम करना चाहिए सभी को, हमको आपको और जनता को। और आखिर में दीपावली का पर्व है, इस पर आप जो है अपने चाहने वालों को क्या संदेश देंगे? दीपावली का पर्व है वो कैसे रहे? हाँ, दीपावली मनाएं, सब लोग साथ मिलकर दीपावली मनाएं, लेकिन दूर रखे, कोरोना से बचाव करते हुए भी और पटाखों से दूरी बनाकर, सावधानी, क्योंकि उससे धुआं निकल रहा है, वायु प्रदूषण का जो है खतरा बना रहता है, जिससे जो है आदमी को जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत, जलन, एलर्जी, ये सारी चीजें जो है हो सकती है, इसलिए जो है पटाखों से दूरी बनाए के रखे, पटाखे न छोड़े और मिठाई जो है खाए, दीपक जलाए, इसके साथ साथ जो है एक दूसरे का ख्याल रखें, दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और सभी क्षेत्र की जनता को जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद सर।